पति ने नवविवाहिता को गर्भवती करके दर दर भटकने के लिए छोड़ा। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के झिझक गजराजगंज का है, जहां की रहने वाली रिया शर्मा ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने साझा करते हुए बताया कि उसकी शादी 2022 में इटावा के टीली टीला गांव में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुरालियों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा, जबकि उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। कई बार समझौता होने के बाद उसके पति ने उसके साथ दिव्यापुर के ओयो होटल में मारपीट की। वह पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराने के लिए दवा बनाए और जबरन दवा खिलाई। किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर पिछले 7 माह से अपने मायके में रह रही है। अब वह 9 माह से गर्भवती है और न्याय पाने के लिए थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक कई चक्कर लगाकर थक चुकी है। कई जगह इतनी जगह दौड़ चुकी है, अभी तक कोई आपको वो नहीं मिला है? नहीं, अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला और हम दौड़ दौड़ के इतने परेशान हो चुके, अब ये लगता है कि मतलब आत्महत्या कर लें, मर जाएं। और रोज धमकी भरे फोन आते हैं। मेरे नंदोई हैं जो विजय ओझा, वो कहते हैं हमारे जीजा हैं वो लखनऊ में वकील है नलनीस, उनकी ब्रजेश पाठक से बहुत अच्छे संबंध है, तुम क्या बिगाड़ लोगी हमारा, क्या कर लोगी तुम इसमें, मतलब ये एप्लीकेशन दे करके हम तो वहीं से अपना लखनऊ से सब निपटवा लेंगे, ऐसे बोलते हैं वो लोग। बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं, कहते कर लो जाके केस, हम तो पैसे भर देंगे, 6 महीने में सब कुछ निपट के बराबर हो जाएगा। तो प्रेजेंट में आप अपने मायके में रही हैं? हाँ, अभी तो हम अपने मायके में। कितने दिन से मायके में रही थे? मायके में हमारे 6 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है आए। अगर कार्रवाई नहीं होती मैडम तो फिर क्या आगा मांगेगा आपका प्लान? कार्रवाई तो मतलब हो ही नहीं रही है, ऐसा लगता है कि मतलब मर जाएं, आत्महत्या कर लें, भाग भाग के परेशान हो चुके। आखिरी टाइम चल रहा, मेरा 9वां महीना चल रहा है, ना तो हम चलने फिरने लायक, इतनी भाग दौड़ हम कब तक करें। जयगुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।